मैं इरफान खान उस्मान खान एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान वासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और इस मुबारकबाद के अलावा और सब लोगों से एक अपील करता हूँ कि आज जो लॉकडाउन इस देश में हुआ है या पूरे दुनिया में भी हुआ है और हर आदमी हर इंसान अपने आपका भी ख्याल रखे, अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखे और हुकूमत जो बोल रही है उसका पालन करे, पुलिस प्रशासन जो बोल रही है उसका पालन करे, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपनी जान को जोखिम देते हुए अपनी जिंदगी दांव पे लगा रही है और 24 घंटे वो रोड पे अपने आप को लोगों के बीच में आके लोगों को समझा रही है और लोग उसके अंदर कुछ लोग हैं जो पालन तोड़ रहे हैं कानून का। लेकिन मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ क्या उनकी बात को माने, उनकी बात को मानते हुए उस पर अमल करे और इंशाअल्लाह ताला मेरा भी और पूरे दुनिया के लोगों का फायदा होगा और हिंदुस्तान के लोगों का फायदा होगा। जितने जल्दी अपन इन बातों का जो समझदार देश के अंदर जो लोग हैं जो समझा रहे हैं इस बातों को आप गौर से इन बातों को समझेंगे और इस पर अमल करेंगे, इसमें हर नागरिक का फायदा है। इसलिए हम ये लॉकडाउन के जरिए हम ये चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कि आप भी सुरक्षित रहे और मैं भी सुरक्षित रहूँ इस घर के अंदर, इस शहर इस देश के अंदर, अपने घर के अंदर, इस बात का आप ख्याल रखें। और मैं और दोबारा ईद की मुबारकबाद पूरे देशवासियों को देता हूँ, पूरे दुनिया के लोगों को देता हूँ मेरी संस्था के माध्यम से और पूरे हम मुसलमान भाइयों के तरफ से पूरे हिंदुस्तान वासियों को इसकी मुबारकबाद ईद की देता हूँ।